हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर आवर अर्थ लेकर आई हूं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ, इट अपीयर्स राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन रिसोर्सेज, लैंड एंड वाटर। जैसे कि सभी जानते हैं कि हम धरती पर रहते हैं और जो हमारी अर्थ है वो एक बॉल की तरह है जो बहुत ही बड़ी है, और अर्थ के दो मेन रिसोर्सेज होते हैं जो क्या कौन कौन से हैं, लैंड और वाटर। सबसे पहले आता है वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर कंप्राइजेस अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। वाटर जो है, पानी जो है, धरती का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर होता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हम इससे बहुत सारे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड सो ऑन। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे शरीर के अंदर 70% क्या होता है? पानी होता है। उसके अलावा पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बनाई है, रिवर, लेक, पोंड, ये सब क्या है? इसके रिसोर्सेज हैं। उसके बाद आता है लैंड। वी मेक हाउसेस ऑन लैंड, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन लैंड। हम जो अपने घर बनाते हैं वो लैंड पर बनाते हैं, जमीन पर बनाते हैं, और जितनी भी हमारी फसल होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हम जमीन पर ही उगाते हैं। और इसके अलावा सारे जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हम जमीन पर ही कर पाते हैं, जैसे वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग और लैंड। नेक्स्ट है लिविंग प्लेसेस। लिविंग प्लेसेस कौन कौन से होते हैं? बिग सिटी, स्मॉल विलेजेस, और इसके अलावा माउंटेन्स और नियर रिवर और ओशियंस, अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं। प्लेसेस ऑन लैंड, लैंड पर कौन कौन से प्लेसेस होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया? इसके अलावा माउंटेन्स एंड हिल्स। माउंटेन एंड हिल्स का मतलब क्या है? जो ऐसी चीज़ें जो जमीन जो है थोड़ी सी अबव होती है, उठी हुई होती है, तो जिसको हम लैंड राइज अबव बोलते हैं। प्लेन्स, प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स जो फ्लैट लैंड होता है, जो बिल्कुल सतह जो होगी उसकी बिल्कुल बराबर होगी। डेजर्ट्स, हॉट एंड ड्राई, फ्यू प्लांट्स ग्रो। और डेजर्ट कौन सी जगह होती है? बहुत गर्मी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूखी जगह होती है, और जहाँ पर कुछ ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। देयर आर समथिंग एल्स लाइक एयर, गैसेस, ईटीसी दैट कवर द अर्थ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब अर्थ को कवर करती हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर और गैसेस। वी कांट सी देम और टच देम, बट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। और हम इसको, एयर को कभी देख नहीं पाते, ना ही छू सकते हैं, बट ये हमारे आसपास हमेशा प्रेजेंट रहती है। उसके बाद आता है वर्कशीट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी लिव ऑन, कहाँ पर रहते हैं? ऑन लैंड। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग और नथिंग ड्रिंकिंग। द पार्ट्स ऑफ लैंड दैट राइज अबव आर कॉल्ड, पार्ट जिसका अबव होता है राइज, माउंटेन्स। उसके बाद आता है मैचिंग। मैचिंग अर्थ को किससे मैच करेंगे? ह्यूज बॉल। ब्लू पार्ट किसका होता है? वाटर। माउंटेन लैंड राइज अबव, प्लेन फ्लैट लैंड। इस तरीके से आप बच्चों को मैचिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ टू मेन रिसोर्सेज, यस ट्रू। वाटर इज फाउंड इन डेजर्ट, फॉल्स। प्लांट्स ग्रो वेल इन प्लेन्स, ट्रू। मैनी प्लांट्स आर फाउंड इन डेजर्ट, फॉल्स। कुछ ही प्लांट्स मिलते हैं। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश अपीयर्स राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल, क्या होता है? अर्थ। लैंड दैट आर फ्लैट आर कॉल्ड प्लेन्स, अभी बताया था हमने। डैश ग्रो वेल इन प्लेन्स।
plants grow well in plains. Next, we cannot touch, किसे touch नहीं कर सकते? Air. तो इस तरीके से आप fill-ups करा सकते हैं. उसके बाद आता है question answers. Answer the following questions. Where do plants grow well? कहाँ पर plants grow अच्छे होते हैं? Plain. What are plains? Lands that are flat are called plain. Space में बचा मेरे पास कोई यहाँ लेते हैं. Plain. What are two main resources of earth? Two resources कौन कौन से होते हैं? Land and water. How much percent of our body weight is water? कितना percent होता है? 70%. तो इस तरीके से आप question answers करा सकते हैं. तो जिस तरीके से मैंने ये worksheet बनाई है, इस तरीके से आप भी बच्चों को घर में करा सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.